We traveled here to meet a young woman who had a story to tell. मेरा नाम है कायनात सोमरो, मैं 8वीं जमात की शागिर्द थी। तो मैं स्कूल गई तो मेरी भाभी ने कहा सामान लेकर आना भतीजी के लिए। तो वापसी करने आई रेशम गली में दुकान पर। मैं देख रही थी तो मेरे पीछे से आया और मेरे नाक पर रुमाल रखा। मैं बेहोश हो गई। फिर उसने मेरे साथ ज़्यादती की, तीन लोग थे। फिर मुझे नशे की हालत में तीनों जवाबदार वहाँ से ले गए नामालूम जगह पर। फिर जहाँ पर वो चौथा आदमी था उसने मेरे साथ ज़्यादती की। मैं जब भी होश में आती थी तो वो मुझे नशे में देते थे। फिर उन लोगों ने मुझे धमकाया डराया। वहाँ पर उन लोगों के पास हथियार थे, उन्होंने मुझे यही धमकी दी, तुमको मार देंगे, तुमको भेज देंगे। फिर ये लोग जब बाहर गए तो मैंने देखा कोई नहीं था, मैं वहाँ से भागी अपनी जान बचा कर। मेरे मुझे न सर पर दुपट्टा था, ना ही पाँव में चप्पल थी। मैंने देखा एक बस खड़ी थी तो मैंने बस वाले को ओला का नाम दिया और अपने बाबा का नाम बताया। तो फिर उसने मुझे अजरक पहनाया और अपने घर वापस लिया। मैं तीन दिन गायब थी। After her escape, Kainaat says she told her family about what had happened during those 3 days. फिर बाद में जब मैं वहाँ से भागकर आई तो फिर मुझे ले गए थाने में। मेरे भाई ने कोशिश की कि FIR काटी जाए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाए, हम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस वहाँ की वडेरे पुलिस एक हो गई। वहाँ पर जगह सिस्टम था, वहाँ पर बासर लोग थे, वहाँ पर वडेरे थे। तो वो कह रहे थे कि जरगा करो, इसको काली करार दो। हमारे भाइयों को धमकियां, हमारे बाबा को धमकियां कि तुम इसको बस खत्म कर दो। The first time we met Kainaat, we found her family surrounding her, defying their local traditions. क्योंकि मैं भी कायनात का फैमिली का मेंबर हूँ, मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ, तो वो यही सोच करके हमें तकलीफ दे रहे थे कि ये भाई है और इनके मर्द मेंबर हैं, तो जैसे ये चाहेंगे वैसे होंगे, तो इनको अगर मना ले या किसी तौर इनको कंप्रोमाइज़ के लिए मजबूर कर ले। तो वो बोल रहा था मेरे को कि तुम भड़वे हो, तुमने कंप्रोमाइज़ ना किया, ना ही तुमने कोई कत्ल किया, ना ही तुमने कोई बच्ची को मारा, ना उन लोगों को मारा तुमने, ये कारोकारी की रस्म तुमने बातें तो अच्छा होता। तो वो लोग चाहते थे कि बच्ची को मार दो, काली कर दो। तो बहुत आया। फिर हमारे वालिद ने कहा भाई हम कलाशनकोफ कल्चर वाले आदमी नहीं हैं, तुम भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे फैमिली से हम ताल्लुक रखते हैं, तो हम कानून का सहारा लेंगे। इसको कंडम करते हैं, हम जरगा को नहीं मानते, हम कत्ल हो जाएंगे, जिरगा को नहीं मानेंगे, हम इंसाफ चाहेंगे, कायनात के इंसाफ लेंगे। असंगे डर ये वाद मन न्याय के संगा मोटी बिंदा से तमन न्याय के जको कारी करे मारी छिंदा हन स जवाबदारन स कायनात जवाबदारन स मिली उनको पैसा बता देंगे चंदा तो मोटी अचो तो जको सो सा चोकरी के मारे खत्म कर छियो कारी करे। असा दुख भुख सही वेंदासीं, वेलो वेहूं था, वेलो खाऊं था, इन जे करे रुगो त इंसाफ़ जे लाइ इंसाफ़ असांखे मिले, मुंहिंजी कायनात खे इंसाफ़ मिले, जिन ज़ालमनि मुंहिंजी नियाणियुनि जी ज़िंदगी बर्बादु कई आहे, असांखे बर्बादु कयो अथनि, उन्हनि खे सज़ा मौत मिले, तॾहिं असां ख़ुशि थींदासीं, तॾहिं सम्झंदासीं असांजे इंसाफ़ मिलियो असांखे। From the start, there was another side to the story. मेरा नाम हबीबुल्ला शेख है।
शाबान शेख जिसको कायनात सुमरो केस में इन्वॉल्व किया गया है, मैं उसका मामू हूँ। हमारा ऐसी जुर्म से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे भांजे को बिला वजह फंसाया गया। This is his nephew. He owns the shop. Kainaat says she was raped here by him and the other men. मुझे नाम शाबान अली शेख है, मुझे रेशम गली में दुकान है। बाबा हिन शाबान रेप कियो एहसान कियो कली मुलात रोशन हो असा हियर भी कुरान शरीफ ते हथ रखी हम चाहूं था त जेको असा बेकसूर आयो एक सनी फणी दे जो नारी हां लेस पटी देसी आहे छा मसालो करे हुननि सॼे दुकानदारनि खां पुछा कई। हुननि पुछा कई त बाबा हिते को अहिड़ो वाक़ियो थियो आहे हुन बाज़ारि में। हुननि दुकानदारनि चयो बाबा हिते अहिड़ी का गाॾी टैक्सी बीह बि नथी सघे त कायना अचे थी मूंखे हुते अंदरि ज़िना करे चइनि ॼणनि रेप करे ऐं कार में खणी हलिया विया आहिनि। असां हिते चयो बाबा इहे कूड़ा उहो शेख माण्हू आहे, नमाज़ी माण्हू आहे, पंज वक़्तु नमाज़ था पढ़ूं, अलाह जा लख ज़ान शादी शुद माण्हू को अहिड़ो को कमु थोरी कंदो। Besides Sheikh, Kainaat accused three other men of the rape. All of them denied the crime. A month after Kainaat alleged that she was raped, the family fled to Karachi, fearing for their lives. By then, Kainaat's story had started to gain major media attention. A women's organization, War Against Rape, had decided to help her. जब हमारा ये वाकया हुआ था तो हमारे साथ भी ये बड़े कह रहे थे कि जरगा करो और लड़की को काट करके मारो। तो मेरे अबू ने कहा हम नहीं मारेंगे क्योंकि हमारे बच्ची का कोई कसूर नहीं है। These tribal councillors, which are called jirgas here, they've got a couple of elders of that community who have been proven to be wise and impartial or whatever, and they sit and they look into cases or complaints that any member of that community has against a person or a couple of people from within that community. So these people essentially have the power to not just summon people to come and explain what has happened, but they can also pass judgments without the aggrieved or the complainant ever actually entering into the formal criminal justice system. These guys have been proven time and again to really give bad decisions. वहाँ पर ऐसा होता ही ऐसा है कि जहाँ बस जो बासर लोग होते हैं उनके बेटे होते हैं वो ये गंदी काम करके फिर उन लड़की को मार देते हैं, या तो काली करके मार देते हैं या ऐसे ही कोई नहीं कहता आदमी को। वो तो बासर लोग होते हैं ना, बस वो चुप हो जाते हैं जब फिर ठहरे हुए दोष ठहराते हैं लड़की को। ये बासर लोग होते ही ऐसे कि जरगा करो वरना यहाँ से निकलो। क्या कहते तुम्हारे अब्बू ने तो बहुत वो किया कि नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं होने दूंगा कारी और इसका फैसला जी मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया बिल्कुल, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोर्ट जाएंगे और ये जिरगे का फैसला हम चाहते हैं कि कानून की तरह उनको सजा मिले, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और की बेटी के साथ ना। Family said that back in their village they owned a house and two cars, but here in Karachi they now lived in a two bedroom apartment. Yahan par hum apne abbu ummi ke sath sote hain, meri behne sath mein, ye dusra kamra hai, babi ka kamra hai, babi ka kamra hai. Hum sirf 18 log rehte hain, hum log 18 family rehte hain. Do car thi hamare paas, मेरे अबू के पास गाड़ियाँ थी, दो कबाड़ी के दुकान थे, अपनी ज़मीनें थी और जेवर वगैरह थे, सब हमने बेच लिए, झगड़ों से जिंदगी गुजर रही थी। अच्छा लगता है घर ये? नहीं, ये बहुत कम है, छोटा है, बिजली जली जाती है, पानी का मसला होता है और गैस का मसला आता है, बिल भी बहुत आता है, पानी का बहुत आता है, बिजली का गैस का बहुत आता है। भाई
ہم تو وہ ہے نا لڑ جھڑ کے نکلے ہیں, ہم تو ڈرنے والے تو ہیں نہیں, زمین پہ تو آ گئے ہیں, اور اب ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ یہاں تو گرا دیا ہے سارے خاندان کو, وڈیرو نے, پولیس نے, وہاں کے نمبرداروں نے, سب نے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا ہے. اب ہم نے عدلیہ کا سہارا لیا ہے, اور عدلیہ میں ہماری امید ہے کہ عدلیہ ہماری حمایت کرے گی, انصاف کرے گی, حمایت انصاف کرے گی. The War Against Rape organization helped to find Kainaat a prominent attorney to take on her case. Court mein case ladna hai to hum chahte hain ki un jawabdaron ko aap hamare sath court chale, unko hum band karwate hain. Case mein do cheeze bahut mushkil hain. Pehli mushkil bahut bada imtihan hai jisse tumhe guzarna padega. Court mein bhi jab tumhara bayan hoga to bahut ulte seedhe sawal puche jayenge. اور ایسے سوال پوچھے جائیں گے جو کسی سے نہیں پوچھنے چاہیے, تو تمہیں ان کے لیے تیار ہونا چاہیے. جو دوسرا بڑا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبی جنگ ہے. مطلب میری نظر میں یہ کیس جو ہے وہ کوئی 5 سے 10 سال تک چلے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو جوابدار ہیں جن کے اوپر تم نے الزام لگا, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کیس جلدی چلے. ٹھیک ہے نا, وہ پہلے تو کوشش یہ کریں گے وہ کسی طرح رہا ہو جائیں اور کیس نہ چلے اور پھر بھاگ جائیں. ٹھیک ہے, کیا یہ دونوں مشکلات فیس کرنے کے لیے تیار ہو؟ جی سر, ہم تم سے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک تم لڑو گی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم کوئی پیسے کے لیے تو یہ کیس کر نہیں رہے. تو تمہارے اوپر ہے, اگر خدا نہ خواستہ تم تھک گئی تو ہم بھی تھک جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر تم نہیں تھکی تو پھر تم ہمیں بھگاتی رہو, ہم بھاگتے رہیں گے. ٹھیک ہے. There is not a single rape case I've done in Pakistan which doesn't have massive loopholes. And the reason for that is very simple. There is never any oral evidence. The evidence which is there, the police does not have the ability to collect that evidence. They have no forensic ability. They can't even secure a crime scene. So, whenever I take a case, the only thing which is important to me is, why will this girl lie? Why will a 13-year-old girl lie that she's been gang raped by 4 people in a traditional Sindhi society? I mean, she's an outcast. She will never get married. She's destined to be killed by someone from her own family. Because she's impure now. So why will this girl lie? She must have a very strong motive. Or she must be mad. That is the legally valid question. Why will this girl lie? کورٹ کے بہت سارے چکر لگاتے ہیں. جس دن ہم کورٹ نہیں جاتے اس دن سڑک پر ہم بھوک ہڑتال کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں تاکہ ہمیں انصاف جلد سے جلد مل جائے. What one sees in society is the rise and rise of women's rights. That is why there is so much violence against them. That is why there is so much conflict on these issues in Pakistan. I mean, you have these rape victims, gang rape, small girls who come on TV and say, we've been raped, you know. They're not ashamed. This kind of public confession is difficult to imagine, maybe a decade, 2 decades, 3 decades ago. These girls are what I call grassroots feminists.
women who have suffered, you know. And out of that suffering, they have gained the feminist consciousness. बिल्कुल हमारे साथ बहुत कॉपरेट किया इसने एम्प्रेस ने मल कायनात समरो की भूख हड़ताल आला अदालत जाऊंगी जुम्मा को कराची प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने एल थाना एक हमारा प्रूफ है जैसे कि ना कोई पूछता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आपके साथ मैंने हिम्मत नहीं हारी मैंने सोचा आगे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला खुदा तो इंसाफ हमारे साथ करेगा ना एक दिन उसको सजा मिलेगी हम यही चाहते हैं As the weeks wore on, Kainaat's case continued to draw attention. And raping and gang raping. So much so that the four men were arrested and thrown into jail without bail. हमारे बच्चों को तो भेड़ बकरियों की तरह कान से पकड़ के जेल में भेज दिया जिनके लिए जमानत की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्यों मैडम ये सरासर रियासती जुल्म हुआ है हमारे साथ रियासती जुल्म जिसे कहते हैं आज से पहले कभी नहीं हुआ किसी के साथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा बेटा सच्चा है ये है वो है वो तो जब कानून में बात आएगी हर कोई अपने प्रूफ पेश करेगा तो फिर पता पड़ेगा सच्चा कौन है झूठा कौन है जो मर्डर करके निकल रहे हैं उनकी जमानतें हो रही हैं मर्डर कर रहे हैं उनकी जमानतें हो रही हैं दोहरे कत्ल कर रहे हैं उनकी जमानतें हो रही हैं अगवा करके गैंगरेप कर रहे हैं उनकी जमानतें हो रही हैं हमारी जमानत क्यों नहीं हो रही थी Habibullah Sheikh turned to a leading defense attorney, Bakar Shah, who agreed to represent all of the four accused men. I got 20 years experience in criminal trials. I have conducted number of cases which are very much famous in Pakistan. Very famous case nowadays which I am contesting nowadays is a case of Mr. Zardari, the president of Pakistan. And any other high profile cases that you अब ये देखें इसके बाद तो फिर कोई नहीं रहता ना ये इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इतना बड़ा केस के बाद तो सारे में छोटे ही हो जाते हैं गैंग रेप इज ए ऑफेंस विच इज वेरी हीनियस क्राइम हियर इन पाकिस्तान एंड द कन्विक्शन एंड द सेंटेंस इज डेथ सो द कोर्ट्स आर सपोज टू टेक ऑल द केसेस लाइकवाइज विद वेरी केयर एंड कॉशन बहुत महीनों तक जिदोजहद करने के बाद आज कोर्ट ने मुझे तारीख दी है मेरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा These are the four accused men, the shopkeeper, Shaban Sheikh, and three others, including a father and a son. Habibullah Sheikh was determined to win. On this day, he brought dozens of supporters from his village to the court. When testimony began, all cameras were ordered out of the courtroom. Kainaat took the stand and told her story in court. She recounted that she was drugged and raped by four men. She testified that they had weapons, but her testimony had a serious problem. There had been little supporting evidence collected to back her story. She was put in the witness box and she faced lengthy cross-examination. A very, very typical cross-examination by me. And I have put almost 200 or 300 questions
from different angles. Chief just couldn't go on because the questions were very nasty, you know. So sadly, the judge didn't stop those questions, which he should have. Things like, you know, which part of your clothing you removed. Who raped you first, who raped you again, so. In very nasty language. On the one hand, there was expert person, and in a witness box, a village girl, there was no comparison at all. But system demands so. In Pakistan, the entire burden is on the rape victim to make sure that the investigation is done properly, the medical examination is done properly, the trial takes place properly. Medical examination of Kainaat did take place, and the report holds that there was a sexual intercourse, but no sperm testing took place. Why didn't the sperm testing take place in rape cases in Pakistan? It doesn't take place. And the reason is because the facilities are not available all over Pakistan. There was also no DNA testing, and the police investigation was flawed. The investigation officer didn't bother to collect any evidence because according to his own version, he didn't believe that she had been raped. So he never really made an effort. As Kainaat's trial wore on, with little evidence on her side, it became increasingly difficult to make her case. केसर में पैसा लड़ूं, केसर में लड़ूं, दुश्मनों से पैसा लड़ूं, आखिर दम ते लड़ना रहना सी, इन्हें देखा के फिर कदर ते पहचानना सी, सजा मौत दिया रहना सी, है ना? पर जंग लेना है लेना, ऐसा वह जंग जरे हैं उनके साथ, दुश्मनों के खत्म कराए, ऐ पूरा सांझे को सो वापस इतना सी, अल्लाह ऐसा साथ था, तू हिम्मत ना हार जा, समझे? ऐसा सब तू मापी बाहर सब तू सगद है, मैंने रो सब तू सगद है. हमारे वो दिन याद आते हैं हमें, बहुत दुख होता है. हम चाहते हैं कि हमारे वो दिन वापस आ जाए. बाजी के पहले थे हम ऐसे, अब कैसे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या हो गया है जिंदगी में. ये नहीं होना चाहिए था, सोचा नहीं था कभी कैसा होगा. ये मेरी फ्रेंड के साथ है, ये स्कूल की तस्वीर. मेरा दिल करता था मैं पढ़ूं, आगे पढ़ूं और डॉक्टर बनूं, लेकिन हमें तो मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ इतना जुल्म होगा, मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती होगी. During the lengthy trial, the defense would also present their case, saying that there was no rape. Instead, they argued, there was a marriage between Kainaat and one of the accused rapists, Isan Thibault. Their evidence, a marriage certificate, photographs, and a story of a love affair. इनका सर आपस में इश्क हो गया था, मोहब्बत का तालब था. ये मशहूर बात है वहाँ की.
खुले आम कायनात एहसान से मिलती थी आके दुकान पे। जनून में इन्होंने यह किया कि घर से भागे। एहसान के बाप ने आके हैदराबाद कोर्ट में इनकी शादी करवाई। बाद में इसने इतनी बड़ी कंपेन क्यों चलाई अगर वो शादी से इनकार हो गई थी? जी तो तलाक ले लेती वो। ये जो इतनी बड़ी उसने कंपेन चलाई कि गैंग रैप हुआ है, इसके पीछे क्या है? कायनात के वालदेन राजी नहीं थे इसमें कि ये एहसान से शादी करे। ये निकाह नामा है, ओरिजिनल है। ये कायनात सोमरो का नाम है, ये उसका एड्रेस है, ये एहसान का नाम है, ये रजिस्ट्रार निकाह का सिग्नेचर है, ये थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे ये थे, ये रजिस्ट्रार की अटेस्टेशन है, ये सारी वेरीफाई हो चुका है, ये सारा निकाह नामा। फोटोज हैं और इसमें आप देखें बाकायदा गोरा चिट्टा लड़का है। जाहिर है इसकी उसके साथ मोहब्बत हुई थी, तो कोई कुछ तो देखा होगा तब तो मोहब्बत हुई। We asked Kainaat about the photos. She said she didn't remember having her picture taken with Ehsan. मैं तो नशे की हालत में थी, इन लोगों ने कोर्ट में दिखाई थी, इन लोगों ने मीडिया पर दिखाई थी, ये मुझे मालूम नहीं है कि कैसे बनाई। As far as the photographs are concerned, you just can't look at them and say, oh, I see these are two happy people, okay, there's no rape. You can't do that. There is a procedure laid down in law of how those photographs are really proved. That was not followed. He presented this argument at the trial, saying that the negatives of the photos were never presented. But there is also the marriage certificate. We asked him how Kainaat's fingerprints and signature got onto the document. She says that I signed some documents. She vaguely recalls that she was in some court. लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था, पता नहीं था कि ये कौन से कागजात थे। डिफेंस ऑफ मैरिज इज अ वेरी कॉमन डिफेंस बिकॉज दैट इज द यूजुअल प्रैक्टिस, इज दैट यू रेप अ वुमन इन द नाइट और गैंग रेप हर एंड देन फोर्स हर टू गेट मैरिड सो दैट इट कैन बी जस्टिफाइड। देर आर judgments by the Supreme Court where the same defense has been taken. Like, look at these photographs, look at these marriage certificate. I think the rapists in Pakistan are not very creative about their defenses. They keep on coming up with the same defenses. ये अपने बचाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को सजा मौत मिलेगी अब। मेरी उम्र तो 13 साल थी। अगर मुझे शादी करने का शौक होता मैं अपने अबू को कहती। The thing about the marriage is that the key witnesses who could have validated the marriage did not come and give evidence. From the court documents, we found the name of the cleric who says he married Kainaat and Ehsan. We traveled to a nearby town to find him. मैंने कायनात सोमरो का निकाह पढ़ाया था। मेरे पास लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस से निकाह पढ़ाया। लड़के से हमने पूछा भी था अल्फिया कलमा पढ़ा के कि भाई कोई ज़ोर ज़बर तो नहीं है, कोई बंदूक के ज़ोर पे तो मैं तो नहीं लाया, अपनी खुशी से निकाह कर रही हो? उसने कहा मैं अपनी खुशी से निकाह कर रही हूँ, नहीं कोई तशद्दुद, कोई दबाव या कोई ऐसे जो है कोई बंदूक के ज़ोर पे अगवा करके लाया है या सॉरी। We had learned from her school and birth records that Kainaat was 13 years old at the time. जिस वक्त उसकी शादी हुई थी उसकी उम्र जो स्कूल के रिकॉर्ड में थी वो 13 बरस थी। क्या आपको मालूम था कि वो 13 बरस की है? नहीं। हाँ वो सही थी, 18 साल थी उसकी उम्र, 18 साल थी। और निकाह करते वक्त आप नहीं देखते कि आप चेक, आपको चेक करने की ज़रूरत होती है कि नहीं? वो हमको डॉक्टर थोड़ी है उसको चेक करेंगे, हाथ लगाएंगे करेंगे, हमारे को हमारी माँ बहन है। According to Pakistan's secular laws, a woman under 16 cannot consent to marriage. But there is a loophole. As an Islamic state, Pakistan also follows Islamic law, known as Sharia law, which states that a girl who has reached puberty can be married, even if she's a minor. And here in Pakistan, when there's a conflict between the two sets of laws,
the courts tend to side with the Islamic law. After years of hearings and delays, the judge finally summoned the accused to the court for the verdict. All the accused persons, as well as myself, the prosecutor, the judge, all were present in the courtroom. My clients were behind the bar since last 3 years. So there was great apprehension. After a three-year-long trial, the judge would side with the men. हम सलाम पेश करते हैं आजाद अदलिया को, जिसने कानून की बालादस्ती कायम की और हकदारों को तीन साल बाद वही इंसाफ मिला जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान शरीफ में हुक्म दिया है. After years in prison, on this day, Isan spoke publicly about Kainaat. Kainaat Soomro में साथ रखूंगा, मैं उसको लूंगा. हम चार साल जेल काटा है, हम इसको लूंगा. हमारे बीबी है जो हम रखेंगे उसको साथ. The judge believed the marriage story, ruling that Isan's marriage to Kainaat was valid, even if she was only 13, following Islamic law rather than secular law. He went on to say that another reason he had decided against Kainaat was because she had accused a father and a son of a gang rape. In his view, he said, that would never happen in Pakistan. He concluded that Kainaat's accusations were a product of her own fantasy. Judge saab ne tumhare khilaf faisla diya. Mujhe bada dukh hua ki unhone tumhare upar yakeen nahi kiya. और उन्होंने ये लिखा कि ये तो एक ख्याली कहानी सुना रही है और जेम्स बॉन्ड की कहानी. और उन्होंने ये भी मान लिया कि वो जो निकाह था वो भी दुरुस्त हुआ था. तो मुझे बड़ा दुख हुआ वो पढ़ के. एक तो उन्होंने यकीन नहीं किया, बल्कि बड़ा दुख हुआ कि जैसे उन्होंने मजाक उड़ाया. जिसके लिए हम ये जिद्दोजहद करते हैं अपने इंसाफ के लिए, अगर वो ना मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए. हम कोई जादू तो नहीं कर सकते. तुमने देखा कि हमने केस किस तरह चलाया. हमारी नज़र में जितनी हम में कुव्वत थी और जितनी हम में समझ थी, उसके मुताबिक हमने केस चलाया. आखिर में तो जज साहब ने ही फैसला करना है. हमारी नज़र में उन्होंने गलत फैसला किया. तो बस ये एक चीज़ है यहाँ कि इंसाफ आसानी से नहीं मिलता और बहुत उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, जो तुम कर रही हो.
With the men freed, Kainaat and her family told us they now fear for their safety. Baji, सुबह का टाइम था तकरीबन 10-11 बज रहे थे कोई भी नहीं था घर में हम लोग किचन में खड़े थे मैं और कायनात खाना बना रहे थे कुछ लोग आए दरवाज़ा टकटक किया हमने जवाब नहीं दिया उन लोगों ने कहा निकलो निकलो बाहर निकलो हम लोग जवाब नहीं दे रहे थे उन लोगों को उन्होंने कहा निकालो कायनात को भी निकालो बाजी हमारे ऊपर बहुत हमले हुए हैं उन लोगों ने कहा है कि कायनात हमारे हवाले कर दो हमने कहा नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा जहाँ पर कायनात का मसला हो गया उसी के सिलसिले में हम यहाँ कराची आ गए अपनी कबाड़ी की दुकान चलाता था उन लोगों ने वो भी नहीं चलाने दिया वो दुकान भी मैंने बंद कर दिया तो ज़िंदगी हमारी तो अपसेट हो गई है क्लाशनकोफ कल्चर है उनका वो मारना ढाना जानते हैं तो वो लोग कहते हैं तो लड़की को ही ख़त्म कर दो अब तो सारे दुश्मन बन गए Then, just months after our interview with him, a tragic turn of events. He was found dead. Kainaat and her family believed the four men she had accused of rape were responsible. मेरा भाई आज शहीद हो गया है मेरा भाई मैं गुनाह उसको 3 गोलियां लगी है अब हमारा क्या बचा हमारे पास कुछ नहीं है कोई हुक्मत हमारी बात नहीं सुनती है किसको कहीं कायनात सोमरो जी ये सिंध की बेटी है इनके साथ बिल्कुल हक और इंसाफ जो है वो होगा ये मेरे 4 बहनें ये 4 भाई थे अब ये 3 भाई हैं अब हमारा कोई नहीं है आज मेरा भाई गया है खुदा ने कहा था कल मेरा बाप जाएगा फिर किसको कहेंगे हम कभी नहीं भूलेंगे मेरे भाई का खून कत्ल नहीं भूलेंगे कसूर वो बेचारा भाई मर गया इंसाफ भी नहीं मिला भाई भी हमने खो दिया कुछ मिला ही नहीं ہمارے معاشرے میں اجتماعی ظلم و زیادتی کے ایسے کئی واقعات ہیں جس سے متاثرہ سست عدالتی نظام کے پائے Kainaat's brother's death put her story back into the national headlines بعد ازاں کائنات سومرو کا یہ بھائی متعلقہ گاؤں کے وڈیرے کے ظلم کے ہاتھوں اپنی جان گوا بیٹھا لوگوں نے کہا تم لوگوں کو دیکھ لیں گے اب کیا تم لوگوں کو مار ڈالیں گے Famous politicians came to her side گورنمنٹ کے سامنے آپ التجا کریں کہ آپ کو انصاف ملے From the start, the men denied playing any role in Kainaat's brother's death. असा सा कायनात और कायनात के वालिद बड़ो जुल्म किया उनके मथा कूड़ा इल्ज़ाम हणी कायनात जो पी कायनात के मीडिया से हाने बिला वजह की शोहरत हासिल कई बिला वजह की शोहरत कायनात
जेला इयो थेन खपे तो वो चुपड़ी करे वेही रहे असा छा करना से असा कारोबारी मानु है इज्जतदार मानु है असा चुप करे बैठा है असा उनके माफ करे छियो असा उनके माफ करे छियो से बराल हुआ ने चुप करे वे इज्जत सा वे सही किरदार जी ना है काय ना सही किरदार जी हो जे आ तो वरी हाई कोर्ट में अपील ना करे हां मीडिया में ना वने हां जेकर इन जो कूड़ साबित थियो तो चुप करे घर वेण खपे उनके पाजो मुड़ सुकान खपे सही ना है काय ना इज्जत वाली ना करे इज्जत वाली ना करे इज्जत वाली ना करे इज्जत वाली ना करे। The police investigation into the brother's death would be closed after 4 months due to lack of evidence in the case. ये अभी आप जो देख रहे हैं ना पानी रुका हुआ पानी बहुत खतरनाक होता है, समझा ना? अब लड़की को ये उठाएंगे, जिसकी बीवी है ये उठाएगा। अब वो कौन से चक्कर में, कौन सी प्लानिंगों में, वो मंजर आम पे नहीं है और इस बात पे मर्डर होंगे। और आपको तो पता है कि आप तो अखबारों में तो पढ़ती होंगी कि ये किस्से तो ऐसे ही होते हैं कि कई मर्डर हो जाते हैं इस पे। मैं सा शादी करन दी चाहे मुझे भाई इज्जत है मुझे जाला है मरा नहीं तुम्हारे ये नहीं लेबा तो भड़वा देबा सो छड़ी ना जेल में वक्त सही नो नुकसान यो छो मना घर लियो तब किया सी ये वही के पासो हर शे वही में हूं मां तो चाहे ते जो पासो छोकरी मां न को बटनम से हले ली कदे भी मुखे मां यो मन शादी केर भी कंदो ना मां ने मारी ने मई छोकरी ने मारी कि कायनात कुछ भी हो जाए ना मुझे या मैं हमारे घर वालों को कि इन लोगों को फिर भी छोड़ना नहीं हिम्मत नहीं हारना हम तुम्हारे साथ हैं सारे लोग घर के जो भी हैं अफराद तुम्हारे साथ हैं हमें आने जाने में खतरा है हमारे घर पर हमला हुआ था कराची में मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और अदालत पे छोड़ा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। Since her brother's death, Kainaat lives under police protection. जिन लोगों ने हमारे ऊपर ज़्यादती की है, ज़ुल्म किया, जिन लोगों ने हमें घर से बेघर किया है, हम उन लोगों को सज़ा मौत दिलाएंगे। The story we had come to hear still had no ending. Like other cases in Pakistan, it would remain at its heart a mystery with no clear end in sight. They want to go ahead with the case. I will keep on representing her. I cannot even imagine that people who are so vulnerable are willing to risk their lives of their family, they are willing to be displaced, and even then want to fight. In their struggle, there is so much hope. Ultimately, I think it's very difficult to stop this tide of the assertion of women. Short of some kind of a counter-revolution in Pakistan, I don't see these rape victims being put back in their homes and told to shut up. I frankly don't see that happening.